जनता की आवाज उत्तर प्रदेश न्यूज। घटना जनपद बरेली थाना बारादरी के मोहल्ला कटरा चांद खां की है। प्रार्थिनी ओम देवी पत्नी स्वर्गीय रामदास मौर्य का यह कहना है कि मेरे बड़े पुत्र दीपक मौर्य की शादी विनीता नाम की लड़की के साथ हुई थी। शादी को लगभग 10 साल हो चुका है। दीपक और विनीता की दो बेटियां भी हैं। प्रार्थिनी ओम देवी ने यह भी बताया कि मेरे बेटे दीपक मौर्य की मेरी बहू विनीता से किसी बात को लेकर कई बार कहा सुनी हो चुकी है। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे परेशान होकर बताया कि मम्मी विनीता के कई लोगों के साथ संबंध है और यह बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा होता रहता है। मेरे मना करने पर मुझे जवाब देती थी कि तुझे जो कुछ करना है वह कर ले, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। वर्ष 2021 में विनीता मौर्य ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर दीपक मौर्य की हत्या कर दी और विनीता ने दीपक मौर्य का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। हत्या के कुछ दिन बाद पता लगा कि विनीता दीपक मौर्य के घर पर कब्जा करके अपने प्रेमियों के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। विनीता मौर्य की पहले भी शादी हो चुकी है, वहां पर भी इसने परिवार को बर्बाद कर दिया। विनीता का बहुत बड़ा परिवार है जो सीधे साधे व्यक्तियों को अपना शिकार बनाता है। इसी तरह से दीपक मौर्य को भी अपना शिकार बनाया। अब विनीता प्रार्थिनी के छोटे पुत्रों पर झूठा मुकदमा लगवा कर फांसना चाहती है। प्रस्तुत है संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। विनीत मौर्य, कहाँ रहते हो आप? थाना कौन सा है? बारादरी। चौकी है कोई आपकी? क्या हुआ था आपके, बताइए। मेरे बड़े भाई दीपक मौर्य की विनीता नाम के लड़की से 10 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा, आपके बड़े भाई का नाम दीपक है? जी। उनकी किनसे, क्या नाम है लड़की का? विनीता मौर्य। विनीता है तो उनकी शादी कितने 10 साल हो गए? 10 साल हो चुके। फिर क्या हुआ? दो लड़कियां, एक 8 साल की एक 4 साल की है। फिर क्या हुआ? उनकी आपस में लड़ाई होती थी। अच्छा, कहासुनी होती थी। क्यों होती थी, किस बात को लेकर? उनके नाजायज संबंध थे। किसके किसके नाजायज संबंध? मौर्य के, आपके भाभी के? जी। कई लोगों के साथ थे? जी जी जी। अच्छा, फिर उनकी कहासुनी आपस में होती थी और भैया का विरोध करते थे इस चीज का। वो कह रहे थे मैं तो ये करूंगी और तुम्हें जो कहना है जो करना है वो कर लो। उसके बाद क्या हुआ? उनने क्या कहते हैं आपसी मतलब जिनसे संबंध थे उनके द्वारा मेरे भाई की हत्या कर दी थी। कब करी थी ये? कितना टाइम हो गया? 2021 में 20 सितंबर हत्या करवा दी जी। या कर दी? करवा दी आपस में जिससे उनके संबंध थे उनसे मिलकर। मिलकर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, अब हमें कुछ ज़्यादा परेशान कर रही है और कह रही है प्रॉपर्टी के लिए कह रही है कभी है। तो ये क्या आपके भाई के साथ कोई दुश्मनी बस ये इसी चीज बात पे लेकर अवैध संबंध थे इस चीज के लेकर? अवैध संबंध थे इसलिए कर दिया हमने। अच्छा अच्छा। जब मेरा भाई खत्म हुआ था तो हमने पोस्टमार्टम के लिए बोला था, इनने पोस्टमार्टम नहीं करने दिया। इनकी इससे पहले कहीं शादी हो चुकी है दिल्ली में। कैसे पता लगा था ये? पहले नहीं पता था? पहले हमें नहीं पता था लेकिन अब बात उखड़ के आई है कि इनकी नई दिल्ली में कहीं शादी हुई। नई दिल्ली में वहाँ पर ही इनने कुछ बर्बाद करके आई है और इनका ग्रोह चलता है। अच्छा, ये जो विनीता का है ग्रो है? जी जी। तो ये यही काम करती हैं? इनका यही काम है। उनके घर वाले ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो घर हम तेरे साथ हैं। घर वाले कहते हैं साथ हैं? हाँ। ये लोगों की प्रॉपर्टी पे हक जमाती है, उनको बर्बाद करती है। किस तरह से, मतलब क्या करती है ये? मतलब दूसरों से शादी करके मतलब बर्बाद करती है और प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए कहती है कि मैं मेरे मतलब अपने, आपका कहने का मतलब है ये अपने झांसे में लेती है, शादी के झांसे में? हाँ, झांसे में लेती है और दूसरों को बर्बाद करके कहीं और मतलब शादी करती है। इसका यही काम है। यही काम है जी। तो कोई सबूत है आपके पास? नहीं, सबूत मेरे पास है। आपके पास है सबूत? सबूत है मेरे पास। अच्छा, तो अभी आपने क्या किया, अभी पुलिस में या थाने में? पुलिस में किया है। पुलिस कहती है तुम्हारा फैमिली मैटर है, वो कर रही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करती है, कुछ ज़्यादा हम परेशान हो चुके हैं। अब क्या मतलब कर रही है ये, क्या कह रही है? अब ये कह रही, कहते हैं कि मेरे को 20 लाख रुपये दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये हमारे पे झूठे मुकदमे भी करवा चुकी है और हमें अंदर करवाना चाहती है ताकि ये ऐसा आराम करे और हमारी माँ को भी मतलब एक साइड में करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, क्यों मतलब आपको कोई आपसे दुश्मनी थी? दुश्मनी ये हो गई कि मैं इसका विरोध करता हूँ इसलिए मुझे मेरे भाई को और मुझे दोनों को अंदर करवाना चाहती हूँ। कौन से भाई को? एक मेरा छोटा भाई है दुर्गेश मौर्य, उसको भी अंदर करवाना चाहती हूँ, मुझे भी करवाना है। तो आपके ऊपर ही झूठे मुकदमे करवाए हैं इसने? मेरे पे ऊपर ही कराए हैं। अच्छा, तो ये कहाँ साथ में रहती हैं अभी? नहीं, मेरे साथ में नहीं रहती, ये अलग रहती है, हमारे दो घर हैं। अच्छा, तो दो घर हैं उसमें रहती हैं ये।
तो क्या अपनी मर्जी से रहती हैं, आप लोगों ने निकाला था घर में, क्या था क्या था? हमने नहीं निकाला था, हम कहते हैं कि हमारे साथ में रहो तो ये हमारे साथ में नहीं जाती, ताकि वो इसलिए नहीं जाती है क्योंकि इसके जो जिससे नारे संबंध है, अगर वो संग में रहेगी तो हमें उसके बारे में और पता चलेगा। अच्छा, तो इसके एविडेंस आपके पास हैं पूरे? हमें हमारे पास एविडेंस है इसके। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं, लेकिन हमें अभी तक पुलिस वाले यही कहते हैं कि आपका फैमिली मैटर है और हमारे खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर मेरे खिलाफ मेरे मुझे अगर कुछ हो गया तो इसके इसका पक्ष जो भी होगा पुलिस होगी, क्योंकि पुलिस ने हमें बहुत परेशान किया है। बस ये चाहता मेरे साथ न्याय हो, मेरी माँ को ही बहुत परेशान कर रही है पुलिस, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला मुझे। मतलब कार्रवाई चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये कब से चल रहा है, आप कितना कब से परेशान हो रहे हो? मैं लगभग ये 3 साल होने जा रही है मुझे, 20 सितंबर को 2-3 महीने बाद मुझे 3 साल हो जाएंगे। मैं न्याय चाहता हूँ बस। न्याय चाहते हो जी? बस।